यूपी उपचुनाव के लिए एक तरफ जहां बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। करहल सीट से सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने सोमवार को न सिर्फ नामांकन दाखिल किया बल्कि नामांकन के साथ ही जीत का दावा भी ठोक दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदि राजचंद्र जी के साथ में और परिजनता के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती। करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से कई लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिला। सोमवार को जब तेज प्रताप यादव करहल से पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा था। तेज प्रताप के नामांकन में सपा सांसद डिंपल यादव, पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव और रामगोपाल यादव तक करहल सीट से एक तरफा जीत का दावा कर रहे हैं। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहां के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। चुनाव हमेशा की तरह दे रहे हैं, एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से चुनाव जीते, बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर। मैं मुझे पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत दे। सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। समाजवादी पार्टी के इस उत्साह और दावों के बीच दरअसल करहल सीट का सियासी इतिहास है। करहल की सीट करीब 31 सालों से सपा की गढ़ है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से विधायक थे लेकिन उनके लोकसभा चले जाने की वजह से ये सीट खाली हो गई थी। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के गांव सैफई से सटी है। मुलायम सिंह यादव के समय से इस सीट पर सपा का दबदबा है। 1993 से 2022 तक 6 विधानसभा चुनावों में 6 बार सपा जीती। बीजेपी को साल 2002 में महज एक बार जीत मिली है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा तक का सफर इसी सीट से किया था। करहल सीट के यादव बाहुल होने की वजह से सैफई परिवार की यहां गहरी पैठ मानी जाती है। करहल से नामांकन का दौर शुरू हो गया है लेकिन अभी यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। कांग्रेस से सीट बंटवारे के सवाल पर अखिलेश यादव भी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। अभी नामांकन चल रहे हैं, समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। इधर करहल में बीजेपी भी सपा के किले को भेदने के लिए फॉर्मूला तलाशने में लगी है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने करहल में अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। करहल सीट पर जब बीजेपी को साल 2002 में जीत मिली थी तो बीजेपी ने यादव प्रत्याशी सोबरन सिंह यादव पर अपना दाव खेला था। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी यादव प्रत्याशी का पासा फेंक सकती है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम भी चर्चा में है। करहल में कुल वोटरों की संख्या 3,75,000 है। इनमें 1,30,000 यादव, 60,000 अनुसूचित जाति के वोटर, 50,000 शाक के वोटर, 30,000 ठाकुर, 30,000 बघेल और 25,000 मुस्लिम वोटर हैं। करहल सीट पर यादव वोटर निर्णायक की भूमिका में हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सबको इंतजार है तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट की। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी कभी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है।